और उस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना है इट इज सेड दैट व्हेन वी फ्रीक्वेंटली बेस आवर प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स ऑन आर मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स तो दैट वुड बी द टाइम वेन वी विल बी सफरिंग फ्रॉम रिकॉलेबिलिटी ट्रैप Trap जो है, वो हमारी मेमोरी को रिकॉल करता रहेगा इन अवर थॉट प्रोसेस सेकेंडली बात याद रखिएगा की वी कैन बी ओवरली इन्फ्लुंस्ड बाई द ड्रामेटिक इवेंट्स तो बाजात लाइफ में जो कुछ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे और उस हाईलाइटिंग से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा सो ऑल द दिन ऑन योर साइकोलॉजी और हमें इन को बड़ी से समझना चाहिए बिकॉज इवेंचुअली ये चीजें आर गोइंग टू अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन रिकॉलेबिलिटी ट्रैप इज दैट अ ड्रामेटिक

Events in a balanced way will distort your probability assessments. So इसे होगा क्या? कि हमारा chances of occurrence related to our mind assessments they would be disturbed and we have to be careful कि वो क्या-क्या चीजें हैं which are actually there to distort your thinking processes. हमारी सोच के अंदाज को कौन सी चीज मुतासर कर रही है, कौन सी चीज तब्दील कर रही है और हम उसको ऐसे रद्देअमल किस तरह से use कर सकते हैं अपने fruitful benefits के लिए. So we have to be के बहुत से माजी के धुंधलों से जो चीजें आपके सामने आती हैं उनके हवाले से आपके रद्द है और यह हमें और यह भी जान सकें हाउ टू डील जब हम रिकॉलेबिलिटी ट्रैप के साथ डील करने की बात करते हैं दैट वट कैन यू डू अबाउट इट उस हवाले से याद रखिएगा के टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस इन मेकिंग एस्टिमेट्स

कोई भी प्रेसिडेंट किसी के पास हो कोई भी ख्याल किसी कोई भी मेमोरी किसी के पास हो हमें उसको करेक्ट भी करने की जरूरत होगी कि कब वो मेमोरी अकर हुई थी उसके और क्या थे अब हालात और वाक्यात क्या हैं और उन दोनों में क्या फर्क है तो इस फर्क को समझना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है लास्टली याद रखिएगा कि टू मिनिमाइज द डिस्टॉर्शन कॉज बाइ वेरिएशन इन रिकॉलबिलिटी केयरफुली एग्जामिन ऑल योर एजम्शन िटी के तौर पर आते हैं हमें समझना होगा कि उसमें कहां, कहां पर कौन कौन सी नॉइज वो अकर कर रही है बाजात बहुत से मैसेजेस को हो सकता है कि हम डी कोड ना कर पाए हों बहुत से मैसेजेस हो सकता है कि हमने प्रॉपरली एन कोड ना किए हों

को कैसे फिल्टर करना है और कौन सा डियर स्टूडेंट या so याद रखें डिसीजन मेकिंग केस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास है प्रॉब्लम को डिफाइन करना फिर प्रॉब्लम को क्लासीफाई करना फिर आल्टरनेटिव इकट्ठे करने